हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का चौथा पार्ट है। जैसा कि आपका उत्तराखंड का एग्जाम 18 जुलाई को होना है और या आज के सेशन में श्वसन तंत्र से रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस होंगे। मैंने कोशिका एंड पेशी तंत्र, कंकाल तंत्र से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करा दिया है, तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते चलिए। मैं 18 अगस्त तक सभी चीज़ें पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी और अपना सेल्फ स्टडी भी जारी रखिएगा। एंड सभी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले जरूर देखें, सभी का सिलेबस सेम होता है। ये ना सोचे कि हमारा एमपी का नहीं हो रहा है तो यूपी का नहीं हो रहा है, सभी के लिए ये है। और जैसे ही 18 अगस्त को बीतता है उत्तराखंड का एग्जाम, मैं एमपी के लिए स्पेशल क्लास लाऊंगी। जैसे कि आप लोगों का कहना है कि सितंबर में इसका एग्जाम होगा, तो मैं ज़रूर पूरा कराऊंगी। आप निश्चिंत रहिए और अपना सेल्फ स्टडी भी जारी रखिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग प्लूरा के द्वारा ढका रहता है? तो दोस्तों, प्लूरा के द्वारा फेफड़ा हमारा लंग्स जो है ढका रहता है। एक दो स्तर का झिल्ली होता है। प्रथम स्तर को हम पेराइटल प्लूरा और दूसरे स्तर को विसरल प्लूरा कहते हैं। इसके अंदर प्लूरल नामक द्रव भरा रहता है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वयस्क व्यक्ति में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? ट्रेकिया यानी श्वास नली की लंबाई 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच होती है। जैसे कि दोस्तों, ये श्वास नली है, ये श्वास नली जो है आगे चलकर फेफड़ों में जो है दाएं फेफड़े की तरफ 3 भागों में और बाएं फेफड़े की तरफ 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम ब्रांची कहते हैं। यही ब्रांची से कई सारे शाखाएं और निकलती हैं, जिसे ब्रांची ओरिस या श्वसनिकाएं कहते हैं। ये अंत में जाकर गुच्छे नुमा आकृति बना लेती हैं, जिसे एल्वोलाइज कहते हैं। और एल्वोलाइज में ही गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसे डिफ्यूजन प्रोसेस भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब श्वास लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% है, तो छोड़ते समय कितना होगा ऑक्सीजन की मात्रा? तो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78 या 79%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड जलवाष्प 0.5% है, जिसमें से जब श्वास लिया जाता है तो ये सभी उतना ही मात्रा में जाते हैं जितना वायुमंडल में है। लेकिन श्वास निकालते समय, एक्सपायरेशन करते समय, नाइट्रोजन जाता है 78 या 79%, पूरा का पूरा बिना यूज हुए बाहर आ जाता है। और जो ऑक्सीजन होता है 21 या 20% जाता है और वापस 16% आता है, यानी कि 4% ही यूज होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह 0.03% जाता है और वापस आता है 4.4%, और जलवाष्प जो है 0.5% जाता है और वापस आता है 6.5%। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 16%। 20 या 21% ऑक्सीजन जाता है और छोड़ते समय 16% वापस आता है, कुल 4% यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न गैसों में से कौन सी हवा में सबसे अधिक प्रतिशत में है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक 78% होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हवा में ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है? तो 21% होता है। फिर वही क्वेश्चन है कि शरीर द्वारा ली गई सांस में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? दोस्तों, जितना वायुमंडल में होता है 21% होता है, तो हम लेंगे तो कितना परसेंट जाएगा? 21%। बाहर कितना निकलेगा? 16%। नेक्स्ट है, साधारण वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? यहाँ भी आपका 21% आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है कि आयतन के अनुसार वायु का सही सामान्य संरचना क्या नहीं है? यहाँ पे सही सामान्य संरचना वायु का क्या नहीं है? तो दोस्तों, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है, ये आपका नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबकि ऑक्सीजन 20.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% निकलता है, 4.4%, अन्य गैसें 0.94%, ये सब राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब पारे का लगभग 760 मिलीमीटर है, तो वहाँ विभिन्न गैसों का अनुपात क्या होगा? तो जो वायुमंडल में है वही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन
79.04%, ऑक्सीजन 20.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? दोस्तों मुख्य श्वसन अंग जो है हमारा फेफड़ा है। फेफड़ों द्वारा जो श्वसन होता है इसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन के अंतर्गत इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, यानी श्वास अंदर लेना और बाहर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है, फेफड़ों में एल्वियोल्स की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एल्वियोल्स जो है 300 से 400 प्रत्येक फेफड़े में होती है। तो यहाँ पे 600 होगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, फिर भी यहाँ पे 700 मान लिया जाता है। तो 300 से 400 मिलियन एक एक एल्वियोल्स में होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तभी जस्ट मैं बताई हूँ, जो श्वास नली हमारा ट्रेकिया होता है वह फेफड़ों में जाकर के दाएं फेफड़ों में 3 भागों में, बाएं फेफड़ों में 2 भागों में बढ़ जाता है। फिर उसमें से बहुत जिसे हम श्वसनी कहते हैं यानी ब्रांची, और ब्रांची भी बहुत सारे शाखाओं में पतले पतले धागों में बढ़ जाती है जिसे हम श्वसनिका या ब्रांचियोलिस कहते हैं। वही ब्रांचियोलिस गुच्छे रूप आकृति में बदल जाते हैं जिसे एल्वियोल्स कहते हैं, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है जिसे हम डिफ्यूजन प्रोसेस भी कहते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? एल्वियोल्स में होता है। कहाँ पे होता है? एल्वियोल्स में होता है। तो एल्वियोल्स को हम हिंदी में कैपिलरी कहते हैं, यहाँ पे कैपिलरी नहीं होगा दोस्तों, एल्वियोल्स होगा, ठीक है? तो एल्वियोल्स में होगा। तो श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोल्स में होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को श्वास मिनट आयतन या मिनट आयतन कहते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, ए एंड बी, तो दोनों चीज़ों को कहते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे श्वास मिनट आयतन या मिनट आयतन दोनों कहते हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार से दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर लाई जाती है। तो दोस्तों जो साधारण रूप से आप सांस अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3-4 चीज़ें होता है जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? जीवधारिता क्षमता। अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है, यानी जोर से पूरी शक्ति से सांस लेकर के पूरी शक्ति के साथ छोड़ना, ये वाइटल कैपेसिटी है। यानी कि यह फेफड़ों की वह क्षमता होती है जो एक बार पूर्ण रूप से अंतः श्वसन यानी इंस्पायरेशन करके पूरे बल के साथ जो हवा बाह्य श्वसन द्वारा बाहर छोड़ी जाती है उसी की मात्रा को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस कम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। जिसमें से दोस्तों जो टाइडल वॉल्यूम होता है, जो सामान्य अवस्था में हम श्वास अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं, उसे हम प्राणवायु या टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जो जिसका मान 500 ml होता है, जिसका मान क्या होता है? 500 ml। और जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एयर, सामान्य श्वास के बाद यदि वायु को पूरे शक्ति के साथ अंदर फेफड़ों में भरा जाए यानी इंस्पायरेशन किया जाए तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एयर यानी पूरक वायु। इसका मान होता है 3000 ml। कितना होता है? 3000 ml। कितना होता है? 3000 ml, ठीक है? फ्लस एक होता है सप्लीमेंट्री एयर, पूरे यानी साधारण टाइडल वॉल्यूम के बाद पूरे जोर से सांस को लिया गया तो पूरक वायु यानी कॉम्प्लीमेंट्री एयर, जिसका मान 3000 ml। उसके बाद पूरे जोर से सांस को बाहर निकालेंगे, एक्सपायरेशन करेंगे गहरे श्वास के द्वारा, उसे हम सप्लीमेंट्री या परिशिष्ट वायु कहेंगे, जिसका मान होगा 1100 ml। कितना होगा? 1100 ml। इस सब के बराबर हो जाता है 4600 ml। इस प्रकार हमारा वाटर कैपेसिटी कितना हो जाता है? 4600 ml। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं के बाद जो हवा हमारे फेफड़ों में बचा रह जाता है पूरे बल के साथ एक्सपायरेशन है श्वास को बाहर निकालने के पश्चात, फेफड़ों में जो बची हुई वायु होती है उसे हम रेसिडुअल एयर यानी अवशिष्ट वायु कहते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें 4600 में अवशिष्ट वायु जोड़ देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी ज्ञात हो जाएगा। तो टोटल लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है वाटर कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल एयर, यानी कि 4600
प्लस एसिटिल एयर होता है 1200 ml, बराबर हो जाएगा आपका 5.58 ml यानी 5.8 लीटर। तो आप यह याद रखिएगा कि वाटल कैपेसिटी होता है 4600 ml और टोटल लंग कैपेसिटी होता है आपका 5.8 लीटर या 5800 ml। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिक से अधिक श्वास बाहर निकलने के उपरांत फेफड़ों से बची हुई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं। अभी जस्ट मैं बताई हूँ, इसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, इसका मान होता है 1200 ml। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग बाड़ी के लिए उत्तरदायी है। तो आप जानते हैं जो हमारा फेरिंग्स होता है वहाँ पर श्वास नली और भोजन नली दोनों जुड़ा रहता है, दोनों वहाँ पे वहाँ से होकर श्वास भी श्वास नली में जाता है और भोजन भी भोजन नली में जाता है, दोनों का रास्ता फेरिंग्स जो है सेम होता है, ग्रसनी जिसे कहते हैं। उसके बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स जो होता है जिसे हम कंठ कहते हैं, वो हमारे बाड़ी यानी बोलने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, यह जो है ट्रेकिया के ऊपर लैरिंग्स जो है जिसे हम स्वर यंत्र या साउंड बॉक्स कहते हैं, यह श्वास नली ट्रेकिया के ऊपर कंठ भाग में स्थित होता है। यहाँ स्वर रज्जु वाइटल कॉर्ड्स होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों बोलने में अभी जस्ट बॉडी के लिए कौन है, लैरिंग्स यानी कंठ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होती है। तो दोस्तों कहाँ पे होता है, फेफड़ों में, पल्मोनरी धमनी जो है अशुद्ध रक्त को लेकर आता है फेफड़ों में, और जहाँ पे फेफड़ों में जो एल्वोलाइज होती है वहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है, तो जो अशुद्ध रक्त लेके जाता है पल्मोनरी धमनी वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है चला जाता है फेफड़ों में और ऑक्सीजन जो है आ जाता है रक्त में, जिससे रक्त शुद्ध हो जाता है और शुद्ध रक्त पल्मोनरी सीजा के द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में जाता है, बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है, बाएं नीले से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है और महाधमनी से समस्त अंगों को भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR कौन से रोगी के लिए कृत्रिम वायु संचालन और रक्त संचालन स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो श्वास नहीं ले पा रहता है, दिक्कत होती है, उसको ऐसा किया जाता है। तो श्वास नहीं ले पा रहे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, CPR देते हैं। प्रति मिनट 100 की दर से 100 बार, प्रति एक मिनट में 100 बार जो उसके सीने को थपथपाते हैं डॉक्टर से पहुंचने के पहले, उसको श्वसन लेने के लिए कृत्रिम वायु संचालन रक्त संचार स्थापित करने के लिए CPR देते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑक्सीजन के बिना सेलुलर ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा श्वसन के चरण होते हैं वो तीन चरण होते हैं, एक होता है वाह श्वसन, दूसरा होता है गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, तीसरा होता है आंतरिक श्वसन। वाह श्वसन में सबसे पहले हम वायु को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ये हमारे फेफड़ों में संपन्न होता है जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, श्वसन ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग मतलब श्वास अंदर लेना और बाहर छोड़ना, तो अंदर लेने को हम इंस्पायरेशन कहते हैं और बाहर छोड़ने को एक्सपायरेशन। उसके बाद होता है गैसों का विनिमय जो एल्वोलाइज में होता है, गैसों का विनिमय होने के बाद जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है उस गैसों को लेकर के गैसों का एक्सचेंज होने के बाद गैसों का परिवहन होता है। फिर गैसों का परिवहन कौन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा करता है होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में 70% और कार्बोमिनो यौगिक के रूप में 23% और प्लाज्मा में घुलकर 7% होता है। तो O2 ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेकर के चला जाता है कोशिकाओं के पास, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन पहुंचता है कोशिकाओं में तो वहाँ पे आंतरिक श्वसन संपन्न होता है जिसे हम इंटरनल रेस्पायरेशन या सेलुलर रेस्पायरेशन या सेलुलर ऊर्जा उत्पादन कहते हैं, जिसके अंतर्गत दो क्रियाएँ होती हैं, कोशिकीय श्वसन यानि आंतरिक श्वसन के अंतर्गत दो क्रियाएं होती हैं, एक अनाक्षी श्वसन दूसरा ऑक्सी श्वसन। जो अनाक्षी श्वसन होता है उसके अनएरोबिक श्वसन, और जो ऑक्सी श्वसन होता है उसको एरोबिक श्वसन कहते हैं।
अनाक्सी श्वसन अनएरोबिक जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जिसे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहती है। ग्लाइकोलिसिस उसे कहते हैं ग्लूकोज को पाइरूविक अम्ल में बदलने की क्रिया को। दो पाइरूविक अम्ल यानी दो एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है अनएरोबिक रिस्पायरेशन से, और तब जाता है टू पाइरूविक अम्ल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीश्वसन संपन्न होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज का जरूरत करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है, जिससे एटीपी 36 एटीपी का निर्माण होता है। इसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन के बिना अगर सेलुलर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है तो उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। यह कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है, इसको ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया भी कहते हैं। और जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में सेलुलर ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे ऑक्सीश्वसन या एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अन्य रासायनिक स्रोतों से एटीपी का निर्माण कर ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, अन्य रासायनिक स्रोतों से एटीपी का निर्माण करके ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया को फास्फोक्रिएशन भी कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलत है, फास्फोक्रिएशन नहीं होगा, फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? विभिन्न रासायनिक स्रोतों से एटीपी का निर्माण करके ऊर्जा का भंडारण प्रक्रिया फास्फोरिलीकरण कहलाता है। कि फास्फोरस अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है, जहाँ यह अंडों, मछली, मांस, दूध, बिना पॉलिश के चावलों में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? अभी जस्ट मैं बताई थी कि वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, 4600 ml, ठीक है। और जो गहरी श्वसन के बाद पूरा वायु बाहर निकालने के बाद जो वायु हमारे फेफड़ों के अंदर बची रह जाती है वो कितना होता है, उसे अवशिष्ट वायु रेसिडुअल एयर कहते हैं, वो 1200 ml होता है। तो 4600 और 1200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5800 ml, ठीक है, यानी कि 5.8 लीटर, ठीक है। तो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूल एयर। तो वाइटल कैपेसिटी 4600 ml, रेसिड्यूल एयर 1200 ml, कुल 5800 ml, यानी 5.8 लीटर होगा। यहाँ पे कोई नहीं दिया है ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्राणधार क्षमता क्या है, यानी वाइटल कैपेसिटी, इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी क्या है? अभी मैं जस्ट बताया कि पूरी क्षमता के साथ श्वास को अंदर ग्रहण करना और पूरी क्षमता से बाहर निकलना, ये वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है उसे प्राणधार क्षमता या वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसके मापन के लिए वेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आप जानते हैं वाइटल कैपेसिटी यानी फेफड़ों की क्षमता, वाइटल कैपेसिटी को ज्ञात करने के लिए वेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राणवायु कौन है? तो दोस्तों, ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, फेफड़े हिस्सा है, वेरी इजी है, श्वसन तंत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 1 ग्राम प्रोटीन किसके बराबर होता है? दोस्तों, तो 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है 1 ग्राम कैलोरी से, एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों से, एंड 1 ग्राम वसा से जो है वह 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, याद रखिएगा 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है कि वसा का प्रति ग्राम शरीर को कितनी कैलोरी प्रदान करता है? तो दोस्तों, 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.1। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है, वसा, लेकिन सबसे जल्दी कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 29 है, शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से कितने ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 1 ग्राम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से 4.1, यहाँ पे 4.2 दिया है, तो 4.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो 4 कैलोरी या 4.1 या 4.2, ऐसे जैसे ऑप्शन में देगा वैसे ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4 कैलोरी।
क्वेश्चन नंबर 32 है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 33 है, VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है। दोस्तों VO2 मैक्स का मतलब होता है अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, तो इसको हम व्यायाम के द्वारा ही इसमें सुधार ला सकते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा। एरोबिक से आशय ऐसे व्यायाम से है जिसे करने से शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, जैसे तेज चलना, दौड़ना, जॉगिंग करना, नृत्य करना, साइकिलिंग चलाना, कैलिस्थेनिक व्यायाम, तैराकी आदि एरोबिक्स व्यायाम में सम्मिलित हैं। इन व्यायामों द्वारा अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण क्षमता यानी VO2 मैक्स में सुधार आता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, RER को चयापचय के लिए इस्तेमाल वसा और कार्बोहाइड्रेट के प्रतिशत को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी RER जिसका फुल फॉर्म होता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। क्या होता है? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसका प्रयोग किसके लिए होता है RER रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो का? वसा और कार्बोहाइड्रेट के प्रतिशत को निर्धारित करने के लिए। याद रखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि चयापचय के इस्तेमाल वसा और कार्बोहाइड्रेट के प्रतिशत को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा RER। तो इसका फुल फॉर्म होता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। इसका सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय की दर अपान ऑक्सीजन की ग्रहण करने की दर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लैक्टिक अम्ल का उप उत्पाद क्या है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो सेलुलर श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन होता है, उसे हम अवायवी या अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जिसके फलस्वरूप पारविक अम्ल और 2 ATP का निर्माण होता है और लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। तो हमेशा याद रखिएगा अवायवी श्वसन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनेगा, एरोबिक कभी मत लगाइएगा। लैक्टिक एसिड किसका उप उत्पाद है? तो अवायवी उपापचय का, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि शरीर शारीरिक कार्य या व्यायाम के समय पेशियों में ऊर्जा का व्यय बहुत बढ़ जाता है, जिसे ग्लूकोज का जरूर तीव्र होने लगता है, परंतु फेफड़े इसके लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाते, अतः अवायवीय उपापचय के फलस्वरूप ग्लूकोज के अधूरे जरण से ही पेशियों तंतुओं में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उस समय उतना नहीं दे पाता है फेफड़ा, जिससे ऑक्सीजन की कमी के कारण जो ग्लूकोज का अधूरा जरण होता है, जिसे लैक्टिक एसिड बनने लगता है। लेकिन कुछ समय हम रेस्ट लेते हैं, इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की पूर्ति होने लगती है और पुनः ग्लूकोज से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से ATP बनने लगता है, जिसे पुनः ऊर्जा निर्मित हम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यहाँ पे क्रम में आपको सजाना है कि सांस द्वारा अंदर खींची गई वायु के शरीर में प्रवेश करने का सही अनुक्रम क्या है। सबसे जल्दी सांस नाक में जाता है, नाक के बाद कहाँ जाता है दोस्तों? फेफड़ों में, फेफड़ों के बाद हृदय में जाता है, जहाँ पे हीमोग्लोबिन ले लेता है ऑक्सीजन को। उसके बाद एक कोशिकाएं में जाता है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस बाय दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हवा नाक में जाती है, फिर श्वास नली यानी ट्रकिया में जाती है, ट्रकिया के बाद फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों के बाद हृदय में जाती है, हृदय के बाद कोशिकाओं में जाती है, जहाँ माइटोकांड्रिया में जा करके ऊर्जा बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, श्वसन नलिका के अंगों को सही क्रम में लिखें। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका राइट आंसर होगा, पहले नाक में जाता है, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर एल्वोलाई में जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, फेफड़ों की पालियों को किसके द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों श्वसनी, जैसे कि हमारा जो श्वास नली ट्रैकिया होता है, एक विंड पाइप होता है श्वास नली,
फिर यहाँ पे फेफड़े में पहुँचता है। फेफड़े में पहुँचने के बाद यह दाएं फेफड़े में 3 भाग और बाएं फेफड़े में 2 भाग में बढ़ जाता है, जिसे हम श्वसनी या ब्रांकी कहते हैं। फिर यही ब्रांकी जो है कई शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जिसे ब्रांकियोलिस या श्वसनिकाएँ कहती हैं। फिर यही श्वसनिकाएँ गुच्छे के रूप धारण कर लेता है, जिसे हम एलोलाइज कहते हैं, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। तो अलग अलग दोनों फेफड़ों में अलग अलग पालियों में विभाजित कौन करता है? श्वसनी यानी कि ब्रांची। क्वेश्चन नंबर 39 है कि श्वसन तंत्र एक किस्म की ट्यूब होती है जो बेलनाकार होती है, इसे हम श्वास नली भी कहते हैं। अभी जस्ट ने बताई एक किस्म की ट्यूब होती है, इसे हम ट्राइकिया यानी श्वास नली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से किस तरह के कार्य में प्रति घंटे सबसे ज्यादा मात्रा में कैलोरी खपत होती है? तो दोस्तों ये जो सामान्य कसरत लगातार, लॉन टेनिस खेलना, तैराक, मध्यम चाल से, इन सब में सबसे ज़्यादा दौड़ना, इन सब में सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत होती है दौड़ने में। इसलिए दौड़ना जो है बेस्ट होता है, सबसे अच्छा एक्सरसाइज होता है। दौड़ने में सबसे ज़्यादा प्रति घंटे सबसे ज़्यादा कैलोरी की खपत होती है, और इससे भी ज़्यादा खपत होती है सीढ़ियाँ चढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि ट्रैकिया का संबंध है, ट्रैकिया यानी श्वास नली को हम ट्रैकिया कहते हैं, इसका संबंध श्वसन तंत्र से है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो दोस्तों एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 20 बार श्वास लेता है, लेकिन जब वह कोई एक्टिविटी या एक्सरसाइज करता है 40 से 50 बार श्वास लेता है, लेकिन जब वह प्रशिक्षित होता है तब आराम की स्थिति में 8 से 10 बार श्वास लेता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है? तो दोस्तों हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन जो है वो हमारे टीशू में पहुँचता है, ऊतकों में पहुँचता है। यानी हाइपोक्सिया नामक बीमारी में शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत कम पहुँच पाती है, जिससे कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है या उन्हें गंभीर नुकसान पहुँचता है। दोस्तों हाइपोक्सिया में क्या होता है कि जब हम ऊँचे स्थानों पर जाते हैं, जैसे कि जब हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाना आरंभ करते हैं, वायुमंडल का भार कम होने लगता है और बैरोमीटर का दाब भी कम होने लगता है। ऊंचाई पर प्रदर्शन क्षमता में आई गिरावट का मुख्य कारण ऑक्सीजन का आंशिक दबाव होता है, दबाव में आई कमी होता है। इस घटे हुए आंशिक ऑक्सीजन दबाव के फलस्वरूप हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की उचित मात्रा की शरीर में कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, रक्त एवं उत्तक के बीच गैस का विनिमय क्या कहलाता है? तो इसे हम दोस्तों आंतरिक श्वसन कहते हैं या कोशिकीय श्वसन कहते हैं, दोनों चीज़ें कहते हैं। और इसमें जो है जो आक्सी अनाक्सी श्वसन होता है, पहले अनाक्सी श्वसन होता है अवायवीय श्वसन, जिसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जिसे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें 2 ATP का निर्माण होता है। उसके बाद टू पैरोविक अम्ल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जड़ा होता है, जहाँ पे 36 ATP का निर्माण होता है, जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं या एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, कठिन व्यायाम के दौरान थकान होने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों कठिन व्यायाम के समय क्या होता है कि ATP खपत हो जाती है और ऑक्सीजन जो है हमारा फेफड़ा उतना दे नहीं पाता है ऊर्जा बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज का अधूरा जड़ा होता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो कठिन व्यायाम के दौरान थकान होने का प्रमुख कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनना। ठीक है, यानी कि कठिन व्यायाम के दौरान थकान होने का प्रमुख कारण लैक्टिक एसिड या दुग्धाम्ल का बनना है। क्योंकि शरीर में कार्य निष्पादन हेतु शक्ति ग्लाइकोजन नामक पदार्थ से प्राप्त होती है। कार्य का व्यायाम की निरंतरता से ग्लाइकोजन का परिवर्तन लैक्टिक अम्ल के रूप में होने लगता है, जिससे मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। मांसपेशियों को सिकुड़ने से ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित होती है और खिलाड़ी को थकान का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बहुत कठिन व्यायाम के समय किसी को थकावट आने का प्रमुख कारण क्या है? तो अभी जस्ट मैं बताई हूँ, दुग्धाम्ल का बनना यानी कि लैक्टिक एसिड का बनना। क्वेश्चन नंबर 47 है,
श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव क्या होता है। तो दोस्तों जब हम श्वास लेते हैं तो जो हमारी जो पसलियाँ होती हैं फेफड़ों की, वो इंटरकॉस्टल मसल से जुड़ी होती हैं, और फेफड़ों के नीचे जो होता है वो डायफ्राम मसल्स होता है। डायफ्राम के ऊपर जो फेफड़े होते हैं वो खड़ा होता है। जब इंटरकॉस्टल मसल्स सिकुड़ती हैं तो जो डायफ्राम होता है नीचे चला जाता है, और जो फेफड़े होते हैं वो ऊपर की ओर गति करती हैं, और फेफड़े का जो आयतन होता है वह बढ़ जाता है, और अंदर का दबाव जो है वो घटता है। यानी कि उस आयतन बढ़ेगा तो हवा का दबाव कम होगा और बाहर का दबाव ज़्यादा होगा। तो हवा का या गैसों का सिद्धांत होता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलते हैं। इस प्रकार जो फेफड़ों का जो आयतन बढ़ता है तो फेफड़ों के अंदर का जो हवा का दाब होता है कम हो जाता है, और बाहर का जो वायुमंडल का दाब ज़्यादा होता है। इस प्रकार वायुमंडल से उच्च दाब से जो हवा होती है निम्न दाब फेफड़ों की तरफ आने लगती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वास लेते समय हमें फेफड़ों के अंदर का दबाव जो है वो घटता है, और श्वास छोड़ते समय एक्सपायरेशन करते समय दबाव जो है बढ़ता है, जिसके कारण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएंगी। ठीक है, तो फेफड़ों से बाहर वायु निकलता है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ती है, जिससे डायफ्राम नीचे चला जाता है, फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, इस प्रकार हवा का दबाव बढ़ जाता है जिससे बाहर से वायु अंदर आने लगती है। लेकिन जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो है, परंतु जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उस समय जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है वो फैलती है और डायफ्राम ऊपर उड़ जाता है, जिससे वच गुहा का आयतन कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप फेफड़े के भीतर का भी आयतन कम हो जाता है, और फेफड़े के भीतर का वायुदाब वायुमंडल से 1 से 2 mmHg अधिक हो जाता है, जिससे भीतर की हवा बाहर निकलने लगती है। इस प्रकार इसमें क्या होगा, राइट आंसर घटता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, श्वास लेते समय हमें फेफड़ों के अंदर का दबाव जो है घटता है और आयतन बढ़ता है, और श्वास छोड़ते समय अंदर का दबाव हवा का बढ़ता है और आयतन घटता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों A.V. Hill ने किया था। ठीक है, जैसे कि सक्रिय शारीरिक कार्य व्यायाम के समय पेशियों में ऊर्जा का व्यय बहुत बढ़ जाता है और अधिकांश ATP जो है ADP में बदल जाता है, अतः ग्लूकोज का तीव्र जरण होने लगता है, परंतु फेफड़े इसके लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के अधूरे जरण से पेशी तंतुओं में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है और व्यक्ति का सांस फूलने लगता है। इसी दशा को ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। इसका आविष्कार A.V. Hill ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑक्सीजन ऋण को कैसे परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों ऑक्सीजन ऋण में वह अतिरिक्त ऑक्सीजन जिसे जोरदार व्यायाम के बाद सभी प्रणालियों को अपनी सामान्य अवस्था में पुनर्स्थापित करने के लिए शरीर में लेना चाहिए, उसे हम ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। एग्जांपल के लिए, जैसे कि हम व्यायाम से पहले 1 मिनट का हम श्वास दर ज्ञात कर लेंगे और लिख लेंगे, उसके बाद व्यायाम करने के बाद रिकवरी के समय 1 मिनट का श्वास दर ज्ञात करेंगे और लिख लेंगे, दोनों के अंतर जो आएगा, जितना अधिक ऑक्सीजन आएगा उतना हमारा ऑक्सीजन ऋण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अधिक ऊंचाई पर जहां वायुमंडलीय दबाव आधा होता है वहां पे क्या होता है? तो दोस्तों वहां पे फेफड़ों संबंधी वेंटिलेशन बढ़ जाता है। अधिक ऊंचाई पर जहां वायुमंडलीय दबाव कम होता है या आधा होता है, वहां उपस्थित मानव के फेफड़ों संबंधी वेंटिलेशन बढ़ जाता है, यानी हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन या हवा का दबाव कम होने लगता है। दोस्तों इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मांसपेशियों का जो रंग होता है लाल मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। व्यायाम के समय पेशियों में मायोग्लोबिन प्रोटीन बढ़ जाता है, और मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को धारण करता है, ऑक्सीजन को बांधे रखता है, जिससे ऑक्सीजन को धारण व बांधने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे पेशियों में ऑक्सीजन अधिक भंडारित हो जाता है, जिससे पेशियों में उत्तकी की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, ताकि ऑक्सीजन को दहन करने वाली माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मात्रा में होंगी तो ग्लूकोज का विखंडन होगा तथा उत्तक में परिवर्तन होता रहेगा, तो ऊर्जा उत्पादन होता रहेगा। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा, कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह डेली प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।